5 बजे के लगभग करीबन 60 से 70 लोग अपने हाथों में शार्प ऑब्जेक्ट्स यानी कि चाकू छुरी ये सब लेकर अंदर एकदम से आ गए, क्योंकि उनके साथ वाली ने ऐसे धक्का दे रहे कि वो चाकू के इधर उधर घूम रहे, वो नहीं आ पा रहे क्योंकि उसको मारने के लिए बोल रहे हैं। सो हमारी सर ने बता दिया कि अगर वो मर गए तो कौन जिम्मेदारी लेगी इसको। नमस्कार आदाब, मैं मोहम्मद गुलफाम और आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। दिल्ली के सबसे लोकप्रिय हॉस्पिटल JTB के अंदर देर रात एक महिला की कथित तौर पर मृत्यु हो जाती है, जिसको लेकर आज सुबह एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होता है और इस वीडियो में कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि जो परिजन हैं उस महिला के वो आक्रोशित नज़र आ रहे थे और JTB हॉस्पिटल की कुछ डॉक्टर्स थे जो एक कमरे के अंदर बैठे हुए थे और वीडियो पे दावा किया गया है कि डॉक्टरों ने लापरवाही की है जिसके चलते ये मृत्यु हुई है। लेकिन इसकी पूरी सच्चाई क्या है, इसको जानने के लिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम सीधा JTB हॉस्पिटल पहुंच चुकी है और हमारे बीच में वो लेडीज़ डॉक्टर भी मौजूद है और मौजूद हैं यहाँ के जिम्मेदार जो इस पूरी खबर पर रोशनी डालेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर नितेश है, मैं RDA प्रेसिडेंट हूँ JTB हॉस्पिटल का। कल अराउंड 5 बजे के लगभग करीबन 60 से 70 लोग अपने हाथों में शार्प ऑब्जेक्ट्स यानी कि चाकू छुरी ये सब लेकर अंदर एकदम से आ गए और रीज़न ये था कि एक फीमेल एडमिट हुई थी, वो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के साथ हुई थी, उसके बाद उनको PPH पोस्टपार्टम हेमरेज होता है, ब्लीडिंग ज़्यादा होने लग जाती है, तो इस चीज़ से वो एडमिट हुई थी और ब्लीडिंग खून बहने के कारण वो शॉक में चली गई, जिसकी वजह से उनको CPR और रिससिटेशन उनका करना पड़ रहा था। इस दौरान एक महिला आती है और वो पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग करने लग जाती है और बहुत लोगों के मना करने के बाद भी वो रिकॉर्डिंग नहीं छोड़ती है और उसको बाहर करने के लिए बोलते हैं कि आप इस पूरे प्रोसीजर में CPR के टाइम पर उन डॉक्टर्स को डिस्टर्ब मत करो, पर वो कंटिन्यूसली गाली गलौज करती रहती हैं डॉक्टर्स के साथ और डॉक्टर्स को अपना काम भी नहीं करने देती है। इस दौरान उसके बाद थोड़ी देर बाद जब महिला की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ये खून बहने के कारण डिस्पाइट डॉक्टर्स ने बहुत मेहनत की उसको बचाने की पूरी कोशिश की, CPR का मतलब कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन होता है, अंतिम में यही किया जा सकता था, वो हमने पूरी तरह से किया, उसके बाद भी हम उसकी जान को नहीं बचा पाए। ये इन्फॉर्मेशन मिलते ही उसके परिवार के करीबन 60 से 70 लोग शार्प ऑब्जेक्ट लेके एकदम से अंदर घुस गए CLR सेंट्रल लेबर रूम के अंदर और तोड़फोड़ शुरू कर दी। हमारे जो डॉक्टर्स थे वो डर के एक कमरे में जाके बंद हो गए, उस कमरे का दरवाज़ा भी उन्होंने तोड़ने की कोशिश की और तोड़ भी दिया और उस दरवाजे की वजह से और एक डॉक्टर को बाहर निकाल के उसका मास्क खींच के उसकी फ़ोटोज़ और खींचने की कोशिश की गई और उसको चोट भी आई उसके सिर पर। इस पूरे कार्यक्रम में ये दिक्कत हुई कि वो जो डॉक्टर्स 3-4 डॉक्टर्स वो थे उनको एक मेंटल इतना ज़्यादा ट्रॉमा हो गया कि वो उस सेंट्रल लेबर रूम से बाहर ही नहीं आ पाए। इनफैक्ट उसके कुछ रिलेटिव्स ऐसे ही भी धमकी दे रहे थे कि हम तुम्हें जला देंगे, मार देंगे और अगर तुम नीचे आओगे तो तुम्हें वापस घर नहीं जाने देंगे, जिस शमशान में मेरी ये इसकी बॉडी जल रही है तुम्हारी भी बॉडी उसी शमशान में जलेगी, ऐसी कई चीज़ें बोली गई जो मुझे नहीं लगता कि एक डॉक्टर को इस तरीके से प्रताड़ित करना सही है। बाकी इसको पूरे अच्छे से समझने के लिए हम गायनी की जो एक डॉक्टर हमारे पास है हम उनसे एक बार ज़्यादा अच्छे से। मैं वो समझ पा रहा हूँ, लेकिन वीडियो में दावा किया गया है कि जो कमरा है उस कमरे में जो डॉक्टर्स हैं वो रेस्ट पे गए हुए थे और लापरवाही के कारण उसकी मृत्यु हुई है, क्या इसमें कोई लापरवाही है? नहीं, कोई लापरवाही नहीं है। मैंने बोला जब पेशेंट को CPR दिया जा रहा था तो रेस्ट कैसे कर सकते हैं उस टाइम? CPR के टाइम तो पूरी एक कोड ब्लू होता है, हमारे टर्म में बोला जाता है, जब कोड ब्लू का मतलब होता है जितने भी लोग वहाँ पे मेडिकल फेटर्निटी के लोग वहाँ पे हैं सब उस पेशेंट के पास पहुँच जाएंगे और उसको देखना ज़रूरी है क्योंकि पेशेंट सिक है, पेशेंट बीमार है, पेशेंट को अर्जेंट नीड की ज़रूरत है, नहीं तो पेशेंट कोलैप्स कर जाएगी। तो ऐसे टाइम पर कोई बाहर बैठ के खाना और ये चीज़ बिल्कुल बेकार बात है। तो जब ये वारदात हो रही थी तो स्टाफ होता है, स्टाफ के साथ सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, तो गार्ड ने डॉक्टरों की हेल्प नहीं करी? हमारे पास वहाँ पर उस पूरे कॉरिडोर में 2 गार्ड होते हैं, तो जो CLR के सामने वाला जो गार्ड था उसको बताया गया, वो अंदर आया लेकिन वो सिचुएशन को कोई कंट्रोल नहीं कर पाया। फिर उसने और हमारी टीम ने भी 100 नंबर पे कॉल किया, फिर एक नीचे से एक हम नीचे हमारे यहाँ एक चौकी भी है नीचे, तो वहाँ से एक पुलिस वाले आए और वो आए और उन्होंने जायजा लिया और वो वापस चले गए, उन्होंने भी कुछ खास बचाव का कार्य नहीं किया। तो FIR दर्ज हो चुकी है? FIR भी अभी हमें SHO को
लेटर भेज दिया गया है FIR के साथ, फाइल करने के लिए पूरा लेटर बना के भेज दिया गया है। फाइल अभी नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने ये बोला है, हमें दावा दिया है कि शाम तक आज FIR फाइल कर देंगे। अच्छा सर, एक और बात जानकारी में आई है, जैसे ही हम यहाँ पर आए थे तो सूत्रों ने हमें बताया कि यहाँ के जो डॉक्टर स्टाफ हैं वो हड़ताल पर जा चुके हैं, क्या ये सच है? हाँ बिल्कुल, आज हमने करीबन 11:30 बजे से हड़ताल पे हम चले गए थे, क्योंकि हमें जब जैसे ही इंसिडेंट के बारे में पता चला तो हमने सबसे पहला काम यही किया कि हम हड़ताल पे जाएंगे, क्योंकि हमें भी अपना एक आक्रोश दिखाना था उस समय कि ये कोई भी इस तरीके से डॉक्टर्स को एटलीस्ट इस तरीके से तो नहीं प्रताड़ित कर सकता है। अगर ऐसे सिचुएशन में और भी पेशेंट्स के बारे में सोचना चाहिए, वो पेशेंट जिसको और दूसरे की अगर ज़रूरत पड़े किसी डॉक्टर की, अगर उसको आप इस तरह से डरा दोगे, धमका दोगे, आखिर ये डॉक्टर्स कितने साल के हैं, कभी सोचा है किसी ने? कितने साल के हैं ये? 22, 23, 24, 28 साल के बच्चे हैं, ये भी तो बच्चे हैं। कोई सारे सीनियर डॉक्टर तो सुबह रात में नहीं बैठे रहते, चलो 30 साल के भी हैं, तो आप क्या करोगे? ऐसे डरा दोगे, किसी को जान की धमकी दे दोगे, तो वो कैसे और लोगों को कैसे बचाएंगे? तो डॉक्टर्स वो जिनको भगवान का रूप कहा जाता है, अगर उन डॉक्टर्स के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगने लगे तो ये भी एक बड़ा सवाल होता है, क्योंकि डॉक्टर न केवल जान को बचाते हैं बल्कि अपना धर्म समझ के भगवान का रूप बनकर मरीज के साथ इलाज करते हैं। वो महिला डॉक्टर हमारे बीच में मौजूद है जिनके साथ ये इंसिडेंट हुआ है, आप उस वक्त वहाँ मौजूद थी मैम, आप ही के साथ ये सब? नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे कोलीग के साथ हुआ, वो बाहर नहीं आ पा रहे क्योंकि उनके साथ वाली ने ऐसे धक्का दे रहे कि वो चाकू के इधर उधर घूम रहे, वो नहीं आ पा रहे क्योंकि उसको मारने के लिए बोल रहे हैं। सो हमारी सर ने बता दिया कि अगर वो मर गए तो कौन जिम्मेदारी लेगी इसको, तो खुद का जान को बचाना चाहिए ना। अच्छा, जब ये वीडियो बनाई जा रही थी तो कौन कौन कितने लोग थे? सो 20-25 लोग के आसपास में, बहुत सारे लोग हैं, हमने भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाया था, ना गार्ड है उधर, एक गार्ड दो गार्ड से क्या ही हो पाएगा, इतना भीड़ को कैसे संभाल पाएगा। अच्छा मैम, कहीं ना कहीं आरोप लगाते हैं सीधा डॉक्टर के ऊपर कि डॉक्टर लापरवाही करते हैं जिसके कारण ये हादसे हो जाते हैं। सो वही दिक्कत है ना, सो ये लोग ना पढ़ी लिखी नहीं होते हैं, उन लोगों को समझ में नहीं आते क्या मेडिकल टर्म्स क्या होते हैं, क्या कर रहे हैं हम, क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम जितना कर पाते हैं हम उतना कर पाते हैं, ठीक है। सो ये पेशेंट को हुआ है, सो ये 35 वीकर है, उसको इंट्राहेपेटिक कोलेसिस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं, ये कलेजी की दिक्कत की होते हैं। सो उसकी वजह से वो ज़्यादा ब्लीड कर रहे हैं, उसके बाद वो एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म के चली गए। ये इसको ना हमने जितना कोशिश कर पाया था उतना कर दिया, जो इसका जो हमने बचाने के लिए कोशिश किया था उसके अटेंडेंस ने वो भी हमको धक्का देके इसको मना कर दिया, और सारा ट्यूब इंटीब्यूशन हमने जो कर दिया, ट्यूब निकाल दिया, वो जो एम्ब्यूबैग सब कुछ हटा दिया। सो इसको हम बचाने के लिए इतना कोशिश किया, फिर भी वो लोगों ने पूरा पेशेंट के आसपास में आ गए है। सो उनको हमने जो डिलीवरी करते हैं, डिलीवरी होते के टाइम पे जो एपी लगाते हैं बच्चा थोड़ा आसान से इजीली डिलीवर होने के लिए, फिर भी उनको लगा है कि सो हमने उसको काट दिया, मरीज को काट के मार दिया। सो इन लोगों को क्या समझ में आ जाएगा ये सिचुएशन? के एक तरीके से देखा जाए अवेयर ना होने के कारण भी इस तरीके की घटनाएं हो जाती, तो उन लोगों को पता नहीं होता है क्या अवेयरनेस? हाँ, अवेयरनेस ये बड़ा चीज़ है। सो उन लोगों को पता नहीं होता है, आपस में इतना भीड़ आ जाते हैं, उन लोगों को कुछ नहीं पता होता है। सो हम जो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो भी उन्होंने मना कर दिया, उसने हम सबको ना मारने के लिए आ गए, चाकू लेकर आ गए, और मरीज को भी टच करने छूने नहीं दिया। सो क्या कर सकते हम? तो आपने देखा ये हमारे बीच में कुछ डॉक्टर्स थे, और मैं कैमरा पर्सन से चाहूँगा कि थोड़ा पीछे दिखाएं कि पूरी एक डॉक्टर की लो भी यहाँ पर मौजूद है, सब के सब यहाँ पर हड़ताल पर पहुँच चुके हैं। हालांकि ये हड़ताल कब तक चलेगी इसका अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन डॉक्टर के ऊपर सवाल उठाना कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ उचित नहीं है। लेकिन अब जितनी भी सिचुएशन हो, जिस तरीके की ये वारदात हुई है, ये एक जाँच का विषय है, और इसको जाँच करने के लिए CDMO है और बहुत से अधिकारी हैं जो इसकी जांच कर सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल जो कथित महिला थी उसकी मृत्यु हो चुकी है और उसको सुपुर्द खाक कर दिया गया है, और साथ ही साथ अभी हम इस पर पूरा वर्जन पीड़ित परिवार का भी लेंगे, और जिस तरीके के माहौल यहाँ पर हुए हैं और क्या यहाँ पर एक्चुअल घटना हुई है उसकी पूरी अपडेट अपने चैनल के माध्यम से आपके सामने रखेंगे। मेरा मोहम्मद ज़ुबैर। क्या हुआ आपके साथ, क्या बात है? सर, हमारी जो वाइफ थी ना वो प्रेग्नेंट थी, तो हम उसको GTB हॉस्पिटल में 7 तारीख को भर्ती करवाने गए थे, तो आज 9 तारीख को उसकी डिलीवरी हुई, नॉर्मल लड़की हुई है, सुबह 3:38 पे। तो उसके करीब 2 घंटे बाद हमारी वाइफ की डेथ हो गई, और डॉक्टरों ने कोई इतना खास वो नहीं करा, यहाँ तक कि हॉस्पिटल के स्टाफ के आदमी ने बताया हमें कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से ये दिक्कत हुई है। स्टाफ के, हाँ, नर्स थी वो, मैं चेहरा भी जानता हूँ उसका,
हाँ वो वहीं थी, वो बधाई भी मांग रही थी मुझसे जब बेटी हुई, तो इस वजह से वो मुझसे कह रही थी कि डॉक्टरों का नू पीछा मत छोड़ना, इनकी गलती की वजह से आपका पेशेंट मरा, ये कह रही थी। हमारी वाइफ की दर्द हो गई, इस वजह से दिमाग थोड़ा ऐसी हो गया था, तो थोड़ी ऊंची आवाज़ से बोल गए हम, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जी पुलिस मौका है वारदात पे थी वहाँ पर, जी SHO भी थे, टू स्टार वाले भी थे, 3 स्टार वाले भी थे। हाँ हमने सर वहाँ पे पुलिस वाले और आपका ये स्टाफ सब चीज़ थी, तो उनके सामने ही सब कुछ काम हुआ है, कोई ऐसा कोई वो नहीं था हथियार वथियार, ये झूठी बात थी। वो तो बहुत पब्लिक थी वहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने गलत बोला। तो चलो पुलिस की ओर से हमने FIR करी थी, तो वे पोस्टमार्टम के लिए कह रहे थे, और हमें कोई हमारा मरीज़ तो मर ही गया, तो अब हमें फिर कोई वो नहीं करी रिपोर्ट, हमने अपनी रिपोर्ट वापस ले ली और अपना बयान दे दिया, और पुलिस वाले SHO साहब हमारा बयान ले गए, चले गए मेरा और मेरे भैया का, और लेटर वेटर साइन करके सब कुछ ले गए कि आप कोई दिक्कत नहीं, और पुलिस की मौजूदगी में हम बॉडी लाए हैं। जी कोई कुछ नहीं करनी हमें, हम अब हमारा पेशेंट नहीं रहा इस दुनिया में, तो अब हमें कुछ नहीं करना, सब अब क्या फ़ायदा, कुछ नहीं करना।